कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस आला कमान का पूरा फोकस इस साल जिन राज्यों में चुनाव है उन पर रहेगा। राजस्थान भी उन राज्यों में शुमार है जहां इस साल चुनाव होने हैं। लिहाजा AICC ने अपना फोकस अब राजस्थान पर किया है। इसके चलते तीनों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़ और अमृता धवन को फील्ड में उतरने का फरमान दे दिया गया है। इसके साथ सह प्रभारियों ने जिले के दौरे भी शुरू कर दिए हैं क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। आखिर यह सह प्रभारी क्या करेंगे, तो आइए ग्राफिक्स के जरिए इनका टास्क आपको बताते हैं जो हाईकमान ने इन सह प्रभारियों को सौंपा है। कांग्रेस का मिशन रिपीट अभियान, कांग्रेस ने सह प्रभारियों को दिया टास्क। मिशन सरकार रिपीट करने की बड़ी जिम्मेदारी। तीन तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाने का होमवर्क। जिताऊ उम्मीदवारों की कुंडली करेंगे तैयार। कुटबाजी दूर करने की है बड़ी चुनौती। सरकारी योजनाओं को ले जाएंगे जन जन तक। संगठन के खाली पदों को जल्द भरना जरूरी। विधायकों से फीडबैक जुटाएंगे सह प्रभारी। चुनाव से पहले संगठन को मजबूत धार देने की जिम्मेदारी। तो यह होमवर्क है जो सह प्रभारियों को दिया गया है। सह प्रभारी अब चुनाव तक फील्ड में ही डटे रहेंगे, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करेंगे, वहीं जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की खोज करेंगे, उसके जनाधार, जातिगत और सियासी समीकरणों की हर एंगल से पड़ताल करेंगे, फिर प्रभारी और हाईकमान को सह प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सह प्रभारियों के पास सरकार की जनहित योजनाओं के प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी है। ग्राउंड पर उनको लेकर क्या रिस्पॉन्स है, यह फीडबैक भी सह प्रभारी जुटाएंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने राजस्थान में सह प्रभारी लगाए थे। उनकी सिफारिश पर कई नेताओं की टिकट दी और कई की टिकट काट भी दी गई। यकीनन उनकी मेहनत के चलते कांग्रेस सत्ता में आने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार चुनौती सत्ता में रहने के बावजूद फिर से सरकार रिपीट करने की भी है। देखते हैं सह प्रभारी इस बार मिशन रिपीट में कितने खड़े उतरते हैं। दिनेश डांगी, ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।